नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मनियारपुर गांव के हल्का लेखपाल का पैसा लेते हुए फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया। जिस संबंध में हल्का लेखपाल कमलेश कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी बनाया गया है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में किसानों की खड़ी फसल को रौंदी गई थी। शासन द्वारा किसानों की रौंदी हुई फसलों का मुआवजा की नकद भुगतान किया जा रहा था, जिसमें मनियारपुर गाँव के चंडी और घुराऊ खसवा खातेदार हैं, जिसके कारण मेरे द्वारा चंडी का पैसा भी घुराऊ को दे दिया गया था। चंडी इस समय पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता है, जहां उसे मुआवजे के पैसे की जानकारी होती है। तो उसने तत्काल लेखपाल को फ़ोन कर मना कर दिया कि मैं जब भी आऊँगा अपने मुआवजा का पैसा मैं लेखपाल साहब आपसे ही लूँगा, मेरा पैसा किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिएगा। मेरे द्वारा जब घुराऊ से चंडी का पैसा वापस मांगा गया, उसी समय किसी ग्रामीण ने चोरी से वीडियो बना लिया। उस वीडियो के जरिए वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, साथ ही गलत काम करने के लिए उसका भी रहा है। टीवी 20 न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आगे लेखपाल ने बताया कि जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्राम सभा के घुराऊ चंडीराम दरस वर्मा जनार्दन मिश्रा से इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत की गई, जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि लेखपाल द्वारा किसी भी तरह का पैसा रिश्वत नहीं लिया गया है। वह पैसा चंडी और घुराऊ का था, जिसकी वजह से घुराऊ ने पुनः चंडी का पैसा लेखपाल साहब को वापस कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ मनबड़ और दबंग किस्म के लोग फर्जी वीडियो बनाकर अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करते हैं। इस वीडियो में जो भी कुछ दिखाया गया है पूरी तरीके से गलत है। क्या नाम है? घुराऊ। हाँ, कौन सा गाँव? मनियारपुर। हमारी जो सरसों की फसल थी, रौंद दी गई थी, उसका मुआवजा और जो दिया गया था उसमें से हमको चंडी का मिल गया था। हमने 3,000 रुपया उनको, नहीं साहब हमारा चाहिए, 3,000 रुपया उनको लौटा दिया। लेखपाल साहब को उनका दे दीजिए। लेखपाल साहब को वापस कर दिए थे जी। आपको कितना पैसा मिला था? 5,000 हमारा, 10,000, 5,000 2,000। अच्छा, कितना पैसा वापस किया आपने? पैसा हमने 3,000 वापस किया था। चंडी में चेंज नहीं था पैसा, इसलिए हमने, हाँ चेंज नहीं था साहब, उसमें चेंज के लिए हम दे दिया साहब। हम जनार्दन मिश्र, ग्राम मनियारपुर निवासी हैं। ये हम लोगों की फसल जो है अधिग्रहण गई, रोक दी गई थी, उसका मुआवजा आया, गांव में बट रहा था और उसमें सब लोग अपना पैसा ले ले रहे थे। घुरहू का पैसा जो है, ये सहकातेदार है चंडी के, उनका पैसा वो था नहीं, उनको दिया गया। इन्होंने बाद में 3,000 रुपया जो है लेखपाल साहब को वापस कर दिया। किसी ने फर्जी वीडियो बना लिया है जो बिल्कुल गलत है। लेखपाल को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा काम किया किसी ने, जो सड़क। रामदास वर्मा, ग्राम मनियारपुर का निवासी हूँ। हमारे जमीन जो है सड़क में चली गई है और सड़क में जो जितनी फसलें थी हमारी, काफ़ी फसलें रौंद दी गई। हम लोग झगड़ते रहे कि इसका मुआवजा दो, मुआवजा दो। बड़ी मुश्किल से मुआवजा के लिए लेखपाल साहब मुआवजा बनाए, मिला नहीं। तो यूपीडा वाले आए, वो पैसा बांट रहे थे, हमारा भी पैसा 20-25 हज़ार था, वो हमको मिला जी। और बाकी वहाँ कर से हम 50 आदमी थे, सबका मुआवजा मिल रहा था। और उसमें से घुराऊ और चंडी दोनों की एक चक है, कंबाइंड चक है, तो उसमें घुराऊ को और चंडी का पैसा, घुराऊ को 10,420 दे दिया गया। तो लेखपाल साहब, भाई चंडी का पैसा हमको वापस करना, कर दो। तो जिसमें 3,000 रुपये घुराऊ जो है लेखपाल साहब को वापस कर लिए थे। और भी कई लोग थे, जैसे हमको मिल गया कुछ पैसे उधार, चेंज नहीं है, तो 100-200 रुपये चेंज करवा के कुछ लोग वापस। मैं कमलेश यादव, उठिया मंडल के लेखपाल, मनियारपुर में फसल मुआवजा का पैसा कैश दिया गया था, जो किसानों को मुआवजे के अनुसार, सबको अंश के अनुसार दिया गया। जो हमारा वीडियो वायरल हो रहा है वो गलत है। गांव मनियारपुर में कोई भी अधिकारी जांच कर सकते हैं, मीडिया पत्रकार बंधु जाके आप जांच कर सकते हैं। मैंने फसल का पैसा कैश दिया गया है। आजमगढ़ में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और अपराधियों पर पैनी नज़र पुलिस रख रही है। किसी भी मूड में अपराधियों को आजमगढ़ पुलिस बकसने के मूड में नहीं है।
इसके तहत आज दीदारगंज की पुलिस ने एक जेरिकेन में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो एक गंभीरपुर की पुलिस ने भी एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर मेनाजपुर पुलिस की, तो मेनाजपुर पुलिस ने भी एक तमंचा कारतूस व नजायज तमंचा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कंदरापुर पुलिस 9 लीटर कच्ची नजायज शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही कंदरापुर पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में एक नजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना गंभीरपुर पुलिस ने वाहन के साथ दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयुक्त एक खलबट्टा भी बरामद कर लिया है। साथ ही निजामाबाद पुलिस ने अपनी अलग अलग तीन कार्रवाइयों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नफर टॉप 10 का अभियुक्त शामिल है। साथ ही देसी अवैध शराब, चाकू व असलाह भी पुलिस ने बरामद किया है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगातार हो रही पेट्रोलिंग आपराधिक मानसिकता एवं अपराध में वांछित लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रखी है। मामला महाराजगंज थाने का है, जहां पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान विगत दिनों देवारा क्षेत्र के देवारा कदीम में 2 पक्षों में नाली व पैसे को लेकर हुई मारपीट में वांछित आरोपी अनिरुद्ध यादव उर्फ बारूद अपने एक साथी सूर्यभान साहनी के साथ महाराजगंज पुलिस के हाथों चढ़ गया। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम में उप निरीक्षक हौसला सिंह के अनुसार सूचना मिली कि वांछित आरोपी अनिरुद्ध यादव उर्फ बारूद सहदेवगंज बंधे के नीचे अपने साथियों के साथ अपमिश्रित शराब बना रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस भाग रहे लोगों में से 2 को पकड़ने में सफल रही। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में सूर्यभान साहनी भी है, जो पूर्व में भी कई मुकदमों में वांछित रहा है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से अपमिश्रित शराब के साथ साथ 200 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम फिटक्रियो में एक अदद चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपियों से भागने वाले के बारे में पूछा गया, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि प्रधान चुनाव के चलते दारू की मांग बहुत बढ़ जाने से हम अपने साथी निरंजन राम रामदुलारे और राम निवास के साथ अपमिश्रित शराब बना रहे थे कि पुलिस को देखते ही भाग गए। उपरोक्त आरोपियों को पुलिस ने संबंधित धारा में चलान कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारी के साथ की गई अभद्रता के मामले पर कहा कि जितने भी अधिकारी इसमें दोषी है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उप जिलाधिकारी के दुर्व्यवहार की वजह से सभी व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें कि सराफा व्यवसायी आशीष गोयल के साथ उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व COCT डॉक्टर राजेश तिवारी के द्वारा मास्क न लगाने पर मारपीट कर अभद्रता की गई। इसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया था और जाम भी लगा दिया था। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद भी रखा था। इसकी जानकारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा जो अभद्रता की गई है, हम लोग इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है और जिस तरह की यह घटना हुई है वह निंदनीय घटना हुई है। इसमें जितने भी अधिकारी दोषी हैं तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी और तब तक करेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और अगर नहीं न्याय मिलता तो न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वह देश प्रदेश स्तर के व्यापारियों से बात करेंगे और आंदोलन की रणनीति को तय करेंगे। क्या कुछ कहा बाबूलाल सेठ ने, सुनवाते हैं आपको। जो ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। या तो जिस तरह की ये निंदनीय घटना हुई है, इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको पहले तो तत्काल सस्पेंड किया जाए, उसके बाद सारे व्यापारियों में एक दहशत का फैला हुआ है। ये SDM इतनी बदतमीजी की तरफ तेज आ रहा है सबसे, कि पूरे व्यापारी यहाँ के डरे हुए हैं। इसकी ये कथन, ये खुलेआम इनके दुकान पे गया, वो बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शासन में हूँ, मैं SDM यहाँ का हूँ, हमको जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा, मुकदमे में चाहे जिसको चाहे जितना फंसा दूँ। अब आगे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? आगे हमारे द्वारा ये, अगर इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जब तक हम लोगों को न्याय न मिले। अगर हम लोगों को प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे।
बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें न्याय पंचायत द्वारा 10 काउंटर बनाए गए हैं। वैश्विक महामारी को देखते हुए बुढ़नपुर तहसील के तहसीलदार शक्ति सिंह के नेतृत्व में नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। आर ओ नदीम ने बताया कि आज सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलनी थी। भारी मात्रा में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया, जिसके चलते नामांकन प्रक्रिया देर शाम लगभग 7 बजे तक सकुशल सम्पन्न कराई गई। ब्लॉक मुख्यालय से 200 मीटर दूर पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। प्रत्याशी के साथ एक ही व्यक्ति नामांकन के लिए अनुमति दी जा रही थी। साथ ही थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क, इन चीज़ों की भी उचित मात्रा में व्यवस्था की गई थी। भीड़ ज्यादा होने के नाते तहसीलदार के निर्देश पर प्रत्याशियों को टोकन वितरित कर दिया गया। नंबर आने पर टोकन ले जाकर के प्रत्याशी आसानी से नामांकन कर पुनः अपने घरों को चले जाते। पहले दिन का नामांकन 199 प्रधान पद के प्रत्याशी, 269 बीडीसी पद के, 41 सदस्य कुल 509 पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को जारी है, इसमें 4 पदों के लिए नामांकन प्रारंभ सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया है और 5 बजे तक चलता है। कुछ काउंटरों पर ज़्यादा नामांकन आने के कारण 5 बजे तक लोगों को टोकन दे दिया गया है और उनके निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसको नामांकन प्रार्थना पत्र इन लोगों का प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया है, इनको आज ही अपलोड कर दिया जाएगा पंचायत निर्वाचन आयोग की साइट पर। और यहाँ पर गाइडलाइन कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर एक प्रत्याशी और एक प्रस्तावक दो को अंदर आने की अनुमति दी गई थी। पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी, गोला बनाए गए थे ताकि लोग 2 गज की दूरी पर रहें और उनको टोकन दे दिया गया था कि अपनी बारी आने पर ही वो लोग अपना नामांकन पत्र दाखिल करें। और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से आज पहले दिन नामांकन रहा, कल भी होगा इस तरीके का नामांकन और शेष लोग अपना नामांकन करेंगे। अभी हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन की प्रक्रिया जारी है, तरह की कोई यहाँ पर कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। शुरू से ही प्रशासन से लेकर के और पुलिस की व्यवस्थाएं और उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनको छाया में बैठने की व्यवस्था और भीड़ भाड़ न हो, इस प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए थे यहाँ पर। और इसमें जनता का काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने कोविड के नियमों का पालन किया, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं हुई और बहुत ही आसानी से लोगों के द्वारा नामांकन किया गया, उनको भी असुविधा नहीं होने दी। हथरौलिया क्षेत्र के एक बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य द्वारा खुली हंटर गाड़ी में बैठकर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए आचार संहिता की धज्जी उड़ाई। वही प्रधान पद के कई प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन के दौरान जुलूस निकालकर पटेल तिराहे से होते हुए नारेबाजी की गई और 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन सहित सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर आचार संहिता की धज्जी उड़ाई गई। वही क्षेत्र के पेड़रा में प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। पंचायत चुनाव को देखते हुए जहां जिले में धारा 144 तथा आचार संहिता प्रभावी है, जहां जुलूस को निकालना सख्त मनाही है, वहीं कुछ प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकाला गया और आचार संहिता की जमकर धज्जी उड़ाई गई। इस पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 के साथ साथ कोरोना वायरस अपने दूसरे चरण में तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर के भी शासन की सख्त गाइडलाइंस है, फिर भी प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर होने के कारण लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने कोई भय नहीं दिख रहा है। इस मामले में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू है, कहीं पर भी कोई जनसभा का आयोजन नहीं कर सकता, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, 5 लोगों से अधिक एक साथ प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो नियमों की अवहेलना है एवं कोरोना के कारण लोगों को मास्क लगाने के लिए बार बार कहा जा रहा है और यदि लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ के विकासखंड अतरौलिया में गुरुवार सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन शुरू होते ही प्रत्याशियों की भीड़ दिखने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दी गई। स्वयं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, चित्राधिकारी महेंद्र शुक्ला तथा प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे द्वारा सुबह से ही ब्लॉक परिसर में मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्लॉक परिसर में
शेबोटोस जॉगिंग टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं, जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह व उनकी टीम द्वारा परिसर को देखा गया। नामांकन रूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रत्याशियों का नामांकन किया जा रहा है, तो ही प्रत्याशियों के साथ एक ही प्रस्तावक को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आइए सुनाते हैं कि उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह व आरओ भवानी शंकर शुक्ला ने क्या कुछ कहा। अब कल की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल। जो प्रधान के लिए है वो 281 पदों के लिए नामांकन किए गए हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए 161 के नामांकन किए गए हैं और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए जो है वो 9 की गई हैं और इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कुल 3 जिला पंचायत के पद हैं जिसके लिए नामांकन जिले स्तर पर किए जा रहे हैं, उसकी सूचना हमें नहीं है। अभी तक सर कितने लोग कर चुके हैं? आज की स्थिति अभी अपडेट नहीं हुई है, अभी हम आपको कुछ विलंब में अपडेट कर देंगे। कल जैसे नेट की पंचिंग नहीं हो पाई थी, आज के नेट की पंचिंग का नेट की स्थिति क्या है? नेट फीडिंग का कार्य जी। नेट फीडिंग का कार्य कल हम लोगों ने देर रात तक करीब 80% कर लिया था। कुछ फीडिंग नेटवर्क स्लो होने के कारण नहीं हो पाए थे, जिसको आज सुबह एकदम भोर से ही 6 बजे से हमारे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं और फीडिंग का कार्य कर रहे हैं। सर कितने कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं? कितने? लगभग उनकी संख्या 8 है और 8 कार्य चालू हालत में है। कुछ कमियां मिली हैं या कोई असुविधा हुई है, क्या तैयारी है? देखिए, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। मैं स्वयं CO साहब के साथ तीनों ब्लॉकों में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और हर ब्लॉक पे कम से कम 2-2.5 घंटे स्वयं मैं बैठता हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मतदान के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। उम्मीदवारों के लिए अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है जैसे नामिनेशन के दौरान, तो उसकी किस प्रकार से मदद की जा रही है? उसको यहाँ पे लगातार हम लोग अपने स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरओ साहब हमारे शुक्ला जी लगातार हर काउंटर पे जा करके कहीं भी किसी काउंटर पे असुविधा होती है तो तत्काल उसका समाधान कराया जाता है।